मार्क चैप्टर 5 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 25 मरकुस रचित सुसमाचार पांचवें अध्याय के 25वें पद से पढ़ेंगे एंड अ सर्टेन वुमन व्हिच हैड एन इश्यू ऑफ ब्लड 12 इयर्स एंड हैड सफर्ड मेनी थिंग्स ऑफ मेनी फिजिशियंस एंड हैड स्पेंट ऑल दैट शी हैड एंड वाज नथिंग बेटर्ड बट रादर ग्रू वर्स व्हेन शी हैड हर्ड ऑफ जीसस केम इन द प्रेस बिहाइंड एंड टच्ड हिज गारमेंट For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the women, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be Whole of thy plague. और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से अपना बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह लेडीज एंड जेंटलमैन देवी और सज्जनों आई वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेंशन टू दिस प्रेशियस वर्ड इन द बाइबल मैं बाइबल में इस बहुमूल्य वचन की ओर चाहूंगा कि आप सब अपना ध्यान केंद्रित करें द बाइबल सेज बाइबल बताती है 2000 years ago 2000 वर्ष पूर्व देयर वॉज अ प्रेशियस वुमन एक बहुमूल्य महिला थी हिस्टोरियंस से हर नेम वॉज पॉसिबली लिडिया इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि संभवतः उसका नाम लिडिया था Her name was possibly Lydia. That's what the theologians say. उसका नाम संभवतः लिडिया था धर्म विज्ञान ऐसा कहते हैं. We do not know her name for sure. हमें निश्चित रूप से उसके नाम की जानकारी नहीं है. But let us assume for our meditation tonight that her name was Lydia. लेकिन ये फर्ज कर लीजिए कि आज हमारे मनन के लिए कि उस स्त्री का नाम लिडिया था. This woman had a certain sickness in her body. उसके शरीर में एक विशेष बीमारी थी. She had a terrible blood disease. और बहुत ही भयानक रक्त संबंधी उसे रोग था. The Bible says. बाइबल बताती है. She suffered terribly for 12 years. 12 वर्ष तक उसने बड़ा दुख उठाया. That pain, that sickness was so bad in her body. That she tried all the medications possibly she can ever go, but nothing worked out. उसके शरीर में वेदना और पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और उसे कोई चंगाई नहीं मिली। Because the Bible says she tried all medications and all doctors, we can understand that she might be a wealthy woman. और बाइबल चूंकि बताती है कि उसने बहुत सारे वैद्यों के पास वो गए थे हर प्रकार की चिकित्सा उसने की थी इसलिए हम मान सकते हैं कि वो बहुत ही धनाढ्य महिला रही होगी She went to so many hospitals. अनेक अस्पतालों में वो गई होगी She went to so many doctors. अनेक डॉक्टरों के पास वो गई होगी She went to so many people. अनेक लोगों के पास वो गई होगी But nothing worked out. लेकिन कुछ भी फल नहीं मिला Nobody was able to find out A result for her sickness. और कोई भी उसकी बीमारी का एक परिणाम उसकी बीमारी का एक निष्कर्ष निकालने में कामयाब नहीं रहा No medicines helped her. कोई भी दवा उसके काम नहीं आई No doctors helped her. कोई भी डॉक्टर उसके काम नहीं आया No hospitals helped her. कोई भी अस्पताल उसके काम मदद में नहीं आया 12 years. 12 वर्ष
day after day her disease began to increase. Din bar din uski bimari badtar hoti ja rahi thi. Her pain began to increase. Uska dard badhta ja raha tha. And her body began to grow weak day after day. Aur din par din uska sharir durbal hota chala ja raha. Oh brother sister, sickness is a terrible thing. Bhaiyo aur behno, bimari bahut hi bhayanak cheez hai. When sickness takes hold of a person, jab bimari ek vyakti ko jakad leti hai, it squeezes the health and squeezes everything that a person can have. और वो उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है वो बीमारी उसको पूरा निचोड़ देती है. Many of us have gone through sickness. हम में से अनेक लोग ऐसी बीमारियों से गुजरे हैं. Many of us has gone through fevers. हम में से अनेक लोग ज्वर से पीड़ित रहे हैं. Just for 2 days of sickness, we're not able to bear it in our body. और 2 दिनों की बीमारी हम अपने शरीर में बर्दाश्त करने में समर्थ नहीं होते. But imagine this woman was suffering for 12 years. लेकिन कल्पना कीजिए ये जो स्त्री है 12 वर्ष से वेदना सह रही थी. Began to grow weak day after day. वो दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही थी. Her body began to go fragile day after day. उसका शरीर अत्यंत नाजुक होता जा रहा था दिन प्रतिदिन. She became so weak and the sickness was so bad in her body that her bones were exposed. और उसका शरीर इतना दुर्बल था, रोग इतना भयानक हो चुका था कि उसकी हड्डियां भी नजर आने लगी थी. 12 years of sickness would have possibly made her skin and bones. और 12 वर्ष की बीमारी ने संभवतः उसको बिल्कुल कंकाल में बदल दिया था. I believe she would have been a bedridden woman all the time in the bed. और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो संभवतः बिस्तर में ही पड़ी रहती रही होगी. The Bible never says anything about her family. बाइबल उसके परिवार के संबंध में कुछ नहीं बताती. Anything about her husband. उसके पति के संबंध में कुछ नहीं कहती. Anything about her children. उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहती. Anything about her parents or relatives. उसके माता पिता या उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी नहीं कहती. She was possibly a lonely woman. संभवतः वो बिल्कुल अकेली महिला रही होगी. She was living in a lonely house. एक घर में वो तनहा जीवन जी रही थी. All the time sitting alone and crying and crying and crying. हर समय वो रोते 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 बैठी रहती होगी. Tried all medicines, nothing worked out. और सारा उसने सारी दवाइयों का प्रयोग किया था लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ. She was lying in her bed and waiting for her death to come. अपने बिस्तर पर पड़ी हुई वो मृत्यु का इंतजार कर रही. She would have possibly hated life. संभवतः उसे जीवन से घृणा हो गई होगी. Oh, when I will die? मैं कब मरूंगी? This sickness is terrible. ये बीमारी बहुत भयानक है. Nobody comes to see me in my house. कोई भी मुझे मेरे घर में देखने के लिए नहीं आता. None of my friends care for me. कोई भी मेरे मित्र मेरी परवाह नहीं करते. None of my relatives cares for me. मेरे बंधु बांधव मेरी परवाह नहीं करते. Everybody has forsaken me. सबने मुझे त्याग दिया है. 12 years of sickness, brother, possibly nobody else could have been with her. 12 वर्ष की बीमारी संभव प्रियो उन लोग उसके साथ कोई भी नहीं रहा होगा. She was sitting crying all the time in her house. और वो अपने घर में अकेली हमेशा रोती बैठी रहती थी. Lying in her cot and crying all the time in her house. अपने बिस्तर में पड़ी हुई हमेशा रोती रहती होगी. I don't know possibly whether she would have eaten properly. और मुझे पता नहीं वो उसे ठीक से खाने को terribly she suffered. और बहुत ही भयानक रूप से वो सहन कर रही थी. But one fine morning. लेकिन एक अच्छी सुबह. One glorious morning. एक महिमामय सुबह. One glorious day. एक महिमामय दिन में. She was lying in her bed. वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी. With great pain in her body. उसके शरीर में अत्यंत भयानक पीड़ा थी. Sickness was taken hold of her so bad she was not able to get up and take hold of her work and do her work. वो बीमारी उसके शरीर में इतनी ज्यादा गहन थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी होगी और अपने दैनंदिन कार्यों को भी नहीं कर पाती होगी. But that glorious day. लेकिन उस महिमामय दिन में. There was a knock in her house door. उसके दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई. किसी ने खटखटाया. There was a knock in her house door. और उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया. And she was not able to get up and go to open the door. और वो उठकर दरवाजा खोलने में भी सक्षम नहीं थी. But she tried. लेकिन उसने प्रयास किया. She tried. उसने यत्न किया. The knock was still going on. खटखटाहट की आवाज जारी रही. Managed to get up and started walking towards the door. और किसी तरह वो उठकर दरवाजे की ओर जाने की योजना बना रही थी. And opened the door. और उसने दरवाजे को खोल. Let us consider for our imagination. हम अपनी इस प्रकार की कल्पना करें. For the word of God, we can imagine it, picture it out. परमेश्वर के वचन के लिए हम इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, ऐसा चित्रण हम कर सकते हैं. I believe possibly one of her friend was standing at the door. मैं विश्वास करता हूँ कि संभवतः उसका कोई मित्र दरवाजे पर खड़ा रहा होगा. Oh, her good old friend, brother. उसका एक बहुत अच्छा पुराना मित्र. She said, Lydia, 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 I have a news for you today. उसने कहा होगा, Lydia, Lydia, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है. Lydia was standing there astonished. और लिदिया जो है बड़े अचंभित रूप से वहां खड़ी थी. What happened? क्या हुआ?
That friend said, उस मित्र ने कहा, Jesus the Son of the Living God, यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र, the one who people call the Messiah, और जिसे लोग मसीहा कहकर पुकारते हैं, the one who stilled the storms, और व्यक्ति जिसने आंधी को थाम दिया, the one who stilled the waters, वह व्यक्ति जिसने पानी को शांत कर दिया, the one who touched the eyes of the blind person and opened the blind eyes, वह व्यक्ति जिसने अंधों की आंखों को खोला और उसकी आंखें खुल गई, the one who opened the deaf ears, और उसने बहरे कानों को खोला, oh the one who raised the dead, वह व्यक्ति जिसने मृतकों को जीवित किया, is about to pass by your street today, वो आपके सामने की गली से गुजरने वाला, come on, come on, quickly, get ready, dress up yourself and come out of your house, तैयार हो जाओ अपने घर से बाहर निकल आओ, oh Lydia was so shocked and happy, और लिडिया जो है बहुत ही अचंभित और हैरान रह गई, brother 12 years of sickness, 12 वर्ष की बीमारी प्यारे भाई, this glorious day, लेकिन इस महिमामय दिन में, son of the living God, जीवित परमेश्वर का पुत्र, the one who created the heavens and the earth, वो शख्स जिसने पूरे सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की, the only one who can give a remedy for our problem, और वो एक व्यक्ति जो हमारे सारी समस्याओं का निदान दे सकता है, the only one who has power to drive out that sickness, और एक व्यक्ति जिसके पास सामर्थ है कि वो बीमारी को सुखा दे, the only one person who has the power to give a solution which doctors are not able to give, एक अकेला व्यक्ति जिसके पास वो समाधान है जो समाधान डॉक्टर समय नहीं दे सकते, she wasted no time, she ran into her house, और उसने बिल्कुल समय नहीं गवाया, वो वापस घर के भीतर गई, quickly dressed up herself, और तुरंत उसने वस्त्र धारण किए, and started running out of her house, और अपने घर से बाहर दौड़ने लगी, and there the son of God was walking across the streets, और वहां पर परमेश्वर का पुत्र सड़कों पर चल रहा था, बाइबल से बाइबल बताती है, so many people were thronging at Jesus, अनेक लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे, Jesus was not possibly hard to be seen in that crowd, और हो सकता है यीशु मसीह ठीक से उस भीड़ के अंदर दिखाई भी ना पड़ते हो, the crowd was so big that Lydia was not able to see where the Jesus was, भीड़ इतनी ज्यादा बड़ी थी कि संभवतः लिडिया को देख भी नहीं पा रही थी कि यीशु मसीह कहां पर है, she was determined of only one thing, लेकिन एक बात उसने तय कर रखी थी, she wanted to receive the healing, उसे अपनी चंगाई को पाना था, oh I should not lose my opportunity today, और आज मैं अपने मौके को नहीं खोऊंगी, if and only if I am going to lose my opportunity today, no way I am going to get healed, आज मैं अगर इस अवसर को खो दूं तो कहीं भी मुझे मेरी चंगाई नहीं मिलेगी, if I am going to lose this opportunity of touching the son of God, no way I am going to get delivered, अगर आज मुझे परमेश्वर के पुत्र को छूने का मौका नहीं मिला तो कहीं भी मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, she ran into the crowd, वो उस भीड़ के भीतर दौड़ी चली गई, she ran into that crowd, और उस भीड़ के अंदर वो दौड़ती चली गई, because the crowd was so big, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, because there was a huge multitude following Jesus, इसलिए कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चला करती थी, she began to bend down, और उसने घुटने टेक लिए, she began to slowly crawl, वो झुक गई और धीरे धीरे सरकने लगी, brother her body was so weak, उसका शरीर इतना कमजोर था, दुर्बल था, her body was so fragile, उसका शरीर इतना नाजुक हो गया था, her hands were weak, उसके हाथ इतने दुर्बल हो गए थे, her legs were weak, उसके पैर बिल्कुल दुर्बल हो गए थे, hands were so fragile, और उसके हाथ बिल्कुल नाजुक हो गए थे, still she managed to crawl and crawl over the crowds, लेकिन फिर भी किसी तरह वो भीड़ के अंदर सरकती और सरकती चली गई, there over the crowds she saw Jesus the master, भीड़ के बीच दूर उसने यीशु स्वामी को देखा, the one who has the power to bring solution for our problem, एक व्यक्ति जिसके पास हमारी समस्याओं का पूरा समाधान है, she began to crawl, वो धीरे से सरकने लगी, and she went, when she began to crawl, और जब वो सरकती गई, the pain was still there in her body, उसके शरीर में दर्द तब भी मौजूद था, excruciating pain was there in her body, बहुत ही गहन पीड़ा उसके शरीर में उसे अनुभव हो रही थी, possibly the people began to stamp her, संभवतः लोग उसे कुचल रहे होंगे, the muddy sandy place began to throw at her body, और हो सकता है कीचड़ और मिट्टी और धूल उसके शरीर में लग रहे हो, her face, her hair, everything began to be covered with dust, और उसका मुंह और उसका पूरा शरीर जो है पूरे धूल से भर गया होगा, because nobody noticed there was a woman crawling down there, इसलिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि एक औरत जो है सरकती हुई चली जा रही है, somebody would have possibly kicked her, संभवतः किसी ने उसे लात भी मारी होगी, somebody would have possibly stamped on her feet, संभवतः किसी ने उसे कुचला होगा, but she was not afraid, लेकिन वो डरी नहीं, she didn't bother about it, और उसे उसकी परवाह भी नहीं की, she was just determined of one thing, केवल एक बात के बारे में वो निश्चित थी, she wanted to touch Jesus, वो यीशु को छूना चाहती थी, her eyes were not on the pain, उसकी आंखें अपनी वेदना की ओर नहीं थी, her eyes were not on her sickness, उसकी दृष्टि अपनी बीमारी की ओर नहीं थी, her eyes were not on the crowd that was thronging at Jesus, उसकी दृष्टि उस भीड़ पर नहीं थी जो कि यीशु के चारों ओर थी, her eyes were on the son of the living, उसकी दृष्टि जीवित परमेश्वर के पुत्र,
पुत्र की ओर थी। She didn't lose her focus on Jesus। उसने यीशु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित होने से भटकाया नहीं। She didn't lose her focus on Jesus। उसका ध्यान नहीं भटका यीशु की ओर से। She crawled। वो धीरे-धीरे सरकती गई। And slowly went closer to Jesus। और धीरे-धीरे यीशु के निकट पहुंची। Went closer to Jesus। यीशु के निकट वो पहुंची। Reached out and touched the hem of his garment। और वो पहुंची और यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया। The moment she touched the hem of his garment। जिस क्षण उसने उसके वस्त्र के छोर को छुआ। The second her hand, the fragile hand, touched the garment of Jesus। उस सेकंड उस क्षण जिसके उसके नाजुक हाथों ने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। The power of the Almighty God went right into her body। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ उसके शरीर में प्रवेश करती चली गई। 12 years, 12 वर्ष। What the doctors could not do, जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए। What no physicians could not do, जो वैद्य नहीं कर पाए। What no medicines can possibly do to her, जो कोई औषधि संभवतः उसके लिए नहीं कर पाई। One touch of the garment of Jesus, यीशु के वस्त्र के छोर की एक स्पर्श। Her body became healed, उसका शरीर चंगा हो गया। Completely healed, पूरी तरह से चंगा। Brother, there is power in Jesus, प्यारे भाइयों यीशु के अंदर सामर्थ है। For Jesus doesn't have healing power, he is the healing power। अब यीशु के अंदर सामर्थ नहीं है, यीशु स्वयं सामर्थ है। Jesus doesn't have deliverance power, he is the deliverance power। यीशु के पास छुटकारा देने की सामर्थ नहीं है, यीशु स्वयं छुटकारा देने वाला सामर्थ है। He is the source of all miracles। वो सारे चंगाइयों का स्रोत है। Oh, her body began completely healed। उसका शरीर पूर्ण स्वस्थ होने लगा। Jesus felt somebody touched her body। यीशु को अनुभव हुआ कि किसी ने उसके शरीर को छुआ है। Son of God felt somebody touched her body। परमेश्वर के पुत्र को अनुभव हुआ कि किसी ने उसे स्पर्श किया है। Jesus turned around। यीशु मसीह मुड़े। Jesus turned around। यीशु मसीह पीछे की ओर मुड़े। Who touched me? Who touched me? और का पूछा कि किसने मुझे छुआ? The disciples said, Lord, there are so many people around you। चेलों ने कहा, प्रभु आपके चारों ओर बहुत से लोग हैं। So many people are possibly pushing you। बहुत से लोग आपको धकेल रहे हैं। How do you say that somebody touched me? आप कैसे कह सकते हैं कि किसने मुझे छुआ? Jesus said, No, there is somebody who touched me। यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ जरूर है। Because the disciples does not know। इसलिए कि चेलों को एक बात की जानकारी नहीं है। Jesus was not talking about the physical touch। यीशु मसीह शारीरिक स्पर्श के बारे में बात नहीं कर रहे थे। Jesus was talking about the touch of faith। यीशु मसीह विश्वास के स्पर्श की बात कर रहे थे। The touch of faith। विश्वास का स्पर्श। The touch of faith। विश्वास का स्पर्श। In those days the Jewish rabbis, even now the Jewish rabbis, they wear a garment। और आज भी उस समय में ही और आज भी यहूदी रब्बी लोग हैं, एक वस्त्र धारण करते, परिधान पहना करते। At the end of their garment, in the lining, they have a long rope। और उनके उनके जो परिधान के निचले सिरे पर एक बहुत बड़ी रस्सी होती है। A long rope hanging down। एक लंबी रस्सी लटकी हुई होती है उनके परिधान में। That rope symbolic of the authority of the priest। और वो जो रस्सी होती है, वो याजक पद के अधिकार का प्रतीक होता है। Because we all think that, oh, the lady touched Jesus' garment। और हम सोचते हैं कि उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ। She didn't just touch the clothes। यीशु मसीह ने उस स्त्री ने केवल वस्त्र को नहीं छुआ। She touched the authority of Jesus। उसने यीशु के अधिकार को स्पर्श किया। She touched the authority of Jesus। यीशु के अधिकार को उसने स्पर्श किया। She touched the authority of Jesus। मैंने कहा, उसने यीशु के अधिकार को स्पर्श किया। Authority is। और वो अधिकार है। And that authority is। और वो अधिकार है। And that authority is। और वो अधिकार है। Jesus। यीशु। Healing God। उसकी चंगा करने वाला परमेश्वर। चंगा करने वाला परमेश्वर। चंगा करता परमेश्वर। Tonight, many of you are sitting here, brother। आज की रात आप में से कई लोग भाई यहाँ बैठे हुए। Many of you are in the same condition। आप में से अनेक लोग उसी अवस्था में हैं। This morning when I finished the fire conference and when I just went into the car for the hotel। आज की सुबह फायर कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद अपने कार में जब मैं वापस होटल लौटा। Your precious sister came with a brother। एक बहन आई, उनके साथ एक भाई भी थे। I don't know whether she is possibly here, but of course she will be here। और मुझे नहीं मालूम, शायद आप यहाँ पर मौजूद हैं। The car was about to start। कार जो है शुरू होने ही वाली थी। Brother, please open the door 1 minute। और उन्होंने कहा, भाई कृपया 1 minute के लिए दरवाजा खोलिए। I just said open the door। मैंने दरवाजा खोला। I said, what do you want? मैंने कहा, क्या चाहिए? Brother, please pray for my brother। और उन्होंने कहा, कृपया मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें। He has heart condition। और उसके एक दिल की बीमारी है। Problem। हार्ट से संबंधित समस्या है। Given up hope। और सारे डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है।
लेकिन कुछ ना कुछ बीमारी तो आपके शरीर में है. डोंट वरी, जीसस गोइंग टू हील यू टुनाइट. चिंता मत कीजिए, आज की रात यीशु से चंगा करने जा रहे हैं. जीसस द सन ऑफ गॉड इज गोइंग टू हील यू वन मोर टाइम टुनाइट. यीशु परमेश्वर के पुत्र आज की रात आपको एक बार और चंगा करने जा रहे हैं. यू आर लुकिंग फॉर अ मिरेकल. यदि आप एक आश्चर्य कर्म की इंतजार कर रहे हैं, हीलिंग, यदि आप चमत्कार को देख रहे हैं, कॉल आउट द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम को पुकारे. कॉल आउट द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम को पुकारे. As I said yesterday, जैसा कल मैंने उल्लेख किया, wherever Jesus went, he healed the people. जहां कहीं भी यीशु गए, उन्होंने लोगों को चंगा किया. We all know Jesus saves. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करते हैं. Time for the people of Chhattisgarh to know Jesus not only saves, Jesus heals. छत्तीसगढ़ के लोगों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान ले, यीशु मसीह ना केवल उद्धार करते हैं, वो चंगा भी करते हैं. The Son of God has two offices. परमेश्वर के पुत्र के दो प्रमुख कार्य हैं. He heals and he saves. और वो चंगा करते हैं और उद्धार करते हैं. John the Baptist sent disciples to Jesus Christ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा. And they came to Jesus and they asked him. और यीशु के पास आकर उन्होंने उनसे पूछा. Are you the Messiah or we should look for somebody else? क्या आप मसीहा हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? John the Baptist, Jesus said. यीशु मसीह ने कहा. Go tell John the Baptist. जाओ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कह दो. Gospel is being preached. सुसमाचार प्रचार किया जाता है. Gospel is being preached. सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है. Sick are being healed. और बीमार चंगे किए जा रहे हैं. Jesus never said, yes, go tell him, I am the Messiah. और उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ बोलो कि मैं मसीहा हूं. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, John, यूहन्ना से कहना, the gospel is being preached. सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है और बीमार चंगे हो रहे हैं. Because only the Messiah can do both those things. इसलिए कि एक मसीहा ये दोनों काम कर सकता है. The Messiah can save and he can heal. मसीहा उद्धार कर सकता है और वो चंगा भी कर सकता है. Only Jesus can do both offices. और केवल यीशु ही ये दोनों कार्य कर सकते हैं. Jesus saves. यीशु मसीह उद्धार करते हैं. Jesus heals. यीशु मसीह चंगा करते हैं. Hallelujah. 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 Hallelujah! Lift your hands and call His mighty name. अपने हाथ उठाइए और उसके सामर्थी नाम को पुकारिए. Pray for somebody next to you tonight. और जो आपके बगल में बैठा कृपया उसके लिए प्रार्थना करें. And say, Lord, heal my mother, heal my father. और उससे कहें कि कृपया मेरी माता को चंगा करें, कृपया मेरे पिता को चंगा करें. Lord, heal my body, Lord. प्रभु मेरे शरीर को चंगा करें, प्रभु. Heal my friend's sickness, Lord. प्रभु मेरे मित्र के बीमारी को चंगा करें. Heal my cousin who is in the hospital. प्रभु जी मेरे भाई को चंगा करें जो अस्पताल में है. Oh, he will do it tonight. वो आज की रात अवश्य करेंगे. His mighty presence will fall upon this place tonight in a powerful way another few minutes from now. अगले कुछ मिनटों में उसकी सामर्थ्य उपस्थिति इस स्थान पर उंडेली जाने वाली है. Many of you here tonight are going to see a greater move of the Son of God. आप में से अनेक लोग इस स्थान पर परमेश्वर के पुत्र के महान सक्रियता को देखने जा रहे हैं. But you should understand one thing. लेकिन आपको एक बात समझनी होगी. When Jesus asked who touched me, लेकिन जब यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ, that women came fearing and trembling and knelt before Jesus. और वो स्त्री थरथराते और कांपते हुए यीशु के पास आई और उसके घुटने टेक दिए. And the Bible says, और बाइबल बताती है, she told everything that happened to Jesus. और उसने सारा हाल सच सच कह सुनाया. Be clear with that thing. और इस बात को अत्यंत स्पष्टता से समझ ले. She testified what happened to her right in front of the crowd. और भीड़ के सामने उसने इस बात की गवाही दी कि उसके जीवन में क्या हुआ. She didn't personally meet Jesus and tell him. यीशु मसीह के पास व्यक्तिगत रूप से वो मिलने नहीं गई. But she didn't go back to her house after she received her healing. या वो चंगाई प्राप्त करने के बाद अपने घर वापस नहीं चली गई. But she testified. लेकिन उसने गवाही दी. She told publicly. उसने सार्वजनिक रूप से गवाही दी. Right in front of the whole crowd. सारी भीड़ के सामने. And only after that, और उसके बाद ही Jesus said, यीशु ने कहा, daughter, पुत्री, be made whole. तू चंगी रह. She got her healing. उसे अपनी चंगाई मिल गई थी. But that healing was confirmed and affirmed only after she confessed that she got healed. लेकिन जब उसने इस बात को अंगीकार किया कि वो चंगी हो गई है, तभी उस चंगाई का निश्चयन उसके जीवन में हुआ. Tonight, if you are feeling the power of God, लेकिन इस आज की रात अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, when God's power comes on your body, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में आती है, God's healing anointing comes on your body, जब परमेश्वर की चंगा करने वाली अभिषेक आपके शरीर में आता है, comes on your body, जब परमेश्वर का सामर्थ आपके शरीर में आता है, when you feel the power of the Holy Spirit rushing through your body, जब आप अपने शरीर में परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को
बहता हुआ अनुभव करते हैं। The volunteers will come right next to you. Volunteers आपके पास आएंगे। The pastors will come right next to you. Pastors आपके निकट आएंगे। If you are feeling God's presence. यदि आप अपने शरीर में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हो। If you feel a heat or a fire or a electricity rushing through your body. यदि आपको अपने शरीर में किसी प्रकार की गर्मी या आग या विद्युत के झटके का एहसास होता है. If you feel the power of God coming on your body. यदि आपको परमेश्वर की सामर्थ्य अपने शरीर में उतरता हुआ अनुभव होता है. If God is healing you. तो परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं. Please don't stay in your seat. तो अपने स्थान पर बने ना रहे। I request you one more time, please don't stay in your seat that मैं आपसे निवेदन करूंगा उस समय अपनी जगह पर बने ना रहे। Don't care about who is sitting next to you. और इसकी परवाह ना करें कि आपके बगल में कौन बैठा है। Don't care about who thinks of whatever next. और ये इस बात की परवाह ना करें कि कोई कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। Just walk out of your seat and come stand over here and here. और अपनी सीट से उठकर आ जाएं और यहाँ दाहिने मंच के दाहिने और बाएं खड़े हो जाएं। And testify what Jesus does for you. और यीशु ने आपके लिए क्या किया है उसकी गवाही दे। When you do that. जब आप वो करेंगे, give glory to Jesus. जब आप यीशु को महिमा देंगे, Jesus healed the leper. और जब यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, he said, go show yourself to the high priest. उसने कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखा. The high priest is symbolic of God's ministers. महायाजक जो है परमेश्वर के सेवकों का प्रतीक है. God's servants. परमेश्वर के दास. So you have to come here. आपको यहाँ आना है. And publicly testify. और सार्वजनिक रूप से इसकी गवाही देनी है. Salvation and healing has to be made public. उद्धार और चंगाई सार्वजनिक की जाने वाली वस्तु है. When you give the altar call, you come forward, right? जब altar call दिया जाता है, आप सामने आते हैं. Similarly, when you receive your healing, उसी प्रकार से जब आपको चंगाई प्राप्त होती है. When you see a vision, जब आप एक दर्शन देखते हैं. When you feel the power of God, जब आपको परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव होता है. When God is touching you. When God is touching you, जब परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे होते हैं, to come forward and testify. आपको सामने आना होता है और गवाही देनी होती है. Only then God will make it whole. और केवल तभी परमेश्वर उसे पूरा करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are ready to receive it tonight? आप में से कितने लोग आज की रात उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? How many of you are ready to receive it tonight? आप में से कितने लोग आज की रात उसे स्वीकार करने को तैयार हैं? Everywhere I go, once after I finish the healing prayer, people run to the platform and come. जहां कहीं भी मैं जाता हूं, चंगाई की प्रार्थना समाप्त होने के बाद लोग दौड़ते हुए मंच की ओर आते हैं। I know when I went to Pune city, people before I ever even tell them to come, they start running to the stage. जब मैं पुणे शहर में था, मेरे कहने के पहले ही लोग दौड़ते हुए स्टेज की ओर आ गए। They start running to the stage. We had no time to collect the healings. लोगों के पास इतने ज्यादा संख्या में लोग आ गए थे कि हमारे पास पूरी गवाही लेने का समय भी ना मिला। Many people came near the stage, but they had no time to make up the healing. और अनेक लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन चंगाई की गवाही लेने का मौका ही नहीं मिला। But I know you people are more hungry and thirsty on the Lord. लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा भूखे और प्यासे हैं। You people are more strong in faith. आप विश्वास में कहीं ज्यादा मजबूत लोग हैं। All you need to do tonight. आपको केवल इतना करने की जरूरत है आज की रात। Lift hands and call the name of Jesus. अपने हाथ उठाइए और प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकता है। You need not beg for it. आपको उसके लिए भिक्षा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। Jesus took all your sickness on him on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके सारे रोगों को उठा लिया। The front of Jesus. The front side of Jesus. यीशु मसीह का सामने का हिस्सा was your salvation. वो आपका उद्धार है. The back of Jesus. यीशु मसीह की पीठ was your healing. वो आपकी चंगाई है. The Bible says. बाइबल बताती है. They whipped his back. उन्होंने उसके पीठ पर कोड़े मारे. They whipped his back. उसके पीठ पर कोड़े चलाए. They whipped his back. उसके पीठ पर कोड़े चलाए. Isaiah the prophet says. यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं. The book of Isaiah chapter 53 verse 5. यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 5वें पद में. He was wounded for our transgressions. वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु घायल हुआ. Bruised for our iniquities. और हमारे पापों के लिए कुचला गया। Chastise for our peace. हमारी शांति के लिए उसकी ताड़ना हुई। And with his stripes you are healed. और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। Every beating and every whipping Jesus took on the cross for your healing. हर एक कोड़े और हर प्रहार जो यीशु ने क्रूस पर सहे, वो आपकी चंगाई के निमित्त थे। You need not stay in your sickness. आपको अपनी बीमारी में बने रहने की जरूरत नहीं है। You have a healing God. आपका एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। You are serving a dead God. आप मृत परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। You are serving a living God. आप एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And his name is Jesus. और उसका नाम प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान God, that He redeemed. You are the Lord, my healer. Yes. You sent Your word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. Hands are being healed right now. और इसी समय आपके घरों में जो समस्या है वो चंगी हो रही है. God's healing power is coming upon you right now. परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ्य इसी समय आपके शरीर में उतर रही है. There is a brother here, your problem in your throat. God is healing you right now. एक भाई यहाँ पर है, आपके गले में समस्या है, परमेश्वर आपको इसी समय चंगा कर रहे हैं. There is a little kid here, little child here. You have some patches on your skin. God is healing you right now. एक छोटा बच्चा है जिसके शरीर में यहाँ वहाँ निशान है, यहाँ वहाँ त्वचा में कुछ रोग है, परमेश्वर आपको इसी समय चंगा कर रहे हैं. God is healing somebody's head right now. इसी समय परमेश्वर कुछ लोगों के सिरों में चंगाई प्रदान कर रहे हैं. People, I'm telling you, lift your hands and receive your healing. Come on, let's go. और जिन लोगों से, इन रोगों से ग्रस्त है, आप लोग अपने हाथ उठाइए और इसी समय अपनी चंगाई को प्राप्त कर लीजिए. Sinus is being healed right now. Sinus इसी समय अपनी चंगाई को ले लीजिए. Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Somebody problem in your stomach, God is healing you right now. किसी व्यक्ति के पेट में कुछ समस्या थी, बीमारी थी, परमेश्वर इसी समय उसे चंगा कर रहे हैं. Stomach ulcer is being healed right now. पेट का अल्सर इसी समय चंगा हो रहा है. And asthma is being healed right now. और दमे की बीमारी इसी समय चंगी हो रही है. A bone problem is being healed right now. हड्डियों की समस्या इसी समय चंगी हो रही है. The power of God is all over here, people. परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ स्थान पर मंडरा रही है. Lift your hands and receive it. अपने हाथ उठाइए और उसे प्राप्त कर लीजिए. Call out the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारिए. Call out the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारिए. Call out the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारिए. Come on, call out his name. और उसके नाम को पुकारिए. He had problem of sinus. You have sinus for how many years, brother? कब से था आपको ये sinus की? 10-15 साल. For 10-15 years. 15 years. Now you can breathe freely. अब आसानी से सांस ले सकते हैं आप. सांस लीजिए. सांस लीजिए. आसानी से ले सकते हैं सांस आप. You can free. You can easy. Is your feeling relieved? जी. The Lord called for somebody with sinus. This is a man. God healed him. परमेश्वर ने. What happened to you? ग्रस्त किसी व्यक्ति को बुलाया था. क्या हुआ था आपको? पीठ में पीछे 2 साल से पीठ में दाग हुआ था. परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को चंगा किया. He had some problem in his back. Now Lord has healed him. What happened? This precious mom cannot see anything without the specs. Tonight the power of God came on her. She can see everything clearly without the specs. I want you to see Jesus. परमेश्वर ने चंगा किया है. All the glory. Can you see me now clearly? क्या आप साफ देख सकती हैं भाई को? चर्च यहाँ तो मेरे को चश्मा लगाना पड़ा. और जब उसके बाद जब प्रेयर हुआ तो जितने लोग भी थे वो सब उतने दूर से मेरे को दिख रहा है. What she saying? She could able to see all the people from here on stage. Oh, hallelujah. Can you see me now? आप भाई को देख सकती हैं? How much is this? कितनी उंगलियां हैं? How much is this? उंगलियां. How much is this? पांच 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 एक एक चार. She is telling it clearly. She had fever and she had vomiting problem, but now she is healed after prayer. क्या हुआ था बेटा? Pick her up. God, thanks for healing her. I give you the praise and the glory. What happened to her? क्या हुआ था भाई? हाँ. Leave her. Go out of her. No go in no more, I said. Tell them what happened. Kya hua tha bhaiya? Dard wala. He had pain in his throat. Pardon? Galle se dard wala tha. You had pain in your throat. Now there is no pain, na? Kya hua? Theek ho gaya. Lord, thanks for the anointing of the Holy Spirit. Yes. Her wife has some problem in her stomach. Now God healed her. Lord, thanks. Somebody ask them and come over here and say, please. 1 year, your problem is in his hands. What problem was it? Come on, give Jesus the biggest hand of praise.